हेलो स्टूडेंट्स, सिविक्स का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, उसमें व्हाई डज ए कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो पार्ट मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। अभी है सेकंड पॉइंट, कौन सा? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। ओके, आज अपने ये स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द इंडियन नेशनल मूवमेंट had been active in the struggle for independence from British rule of several decades. बहुत decades मतलब बहुत सालों तक British rule के नीचे Indian National Movement ने अपना structure पूरा achieve किया था। Second point, federalism means refer to the existence of more than वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। वो फेडरलिज्म का मतलब है कि अपने कंट्री में एक लेवल तक की गवर्नमेंट, एक लेवल से ज़्यादा तक की गवर्नमेंट रिफर है कंट्री में। थर्ड पॉइंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन गारंटी यूनिवर्सल एडेड सफर्स फ्रॉम ऑल सिटीजन। पूरी की पूरी सिटीजन ये सफ़र करती थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नमेंट को ब्रिटिश के टाइम पे। विच मीन्स पीपल हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब है पीपल का डायरेक्ट रोल है अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना। नंबर 4.4, सप्रेशन ऑफ पावर। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, ए लेजिस्लेचर, द एक्सिक्यूटिव, द जुडिशरी। 3 ऑर्गन्स है स्टेट के, कौन से? लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, उसमें पावर सप्रेशन हुआ था। देन नंबर 5, द लेजिस्लेचर रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, द एक्सिक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें से जो एक्सिक्यूटिव था उसमें पीपल का ग्रुप छोटा था। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ, जो लोग को इम्प्लीमेंट कर सके एंड रनिंग द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को चला भी सके। द जुडिशरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री, और वो जो सिस्टम है कोर्ट की वो रिफर भी कर सके। अभी नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर रिफर टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो क्या रिफर करे? कोसाइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द एलिबेटिक एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द स्टेट। और जो किसको प्रोटेक्ट करे? सिटीजन को और स्टेट की पावर को, वो जो फंडामेंटल राइट के थ्रू। सेकेंड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द अदर इंडिविजुअल। और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या गारंटी होती थी? कि अपनी इंडिविजुअल स्टेट को और दूसरे इंडिविजुअल स्टेट को पूरी की पूरी पावर सेव करे। नंबर 3, देर आर 6 फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी होनी चाहिए सब में, राइट टू फ्रीडम, सब में फ्रीडम भी होनी चाहिए, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रीजन, और अपनी अपनी रीजन में भी फ्रीडम तो होनी चाहिए, कल्चर एंड एजुकेशन एज राइट, और वो भी कल्चर और एजुकेशन भी अच्छे से होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रीजन, राइट कल्चर एंड एजुकेशन एज राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंडिस, और कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंडिस भी अच्छे से होनी चाहिए उसमें। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डाइवर्टी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फिर वो डाइवर्टी प्रिंसिपल भी स्टेट पॉलिसी की माने जाती थी। इन एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स एंड सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट लॉ एंड पॉलिसी दैट हेल्प्स रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मैसिव। और इसमें जो गाइडेंस वो लोग इकोनॉमिक पॉली फंडामेंटल राइट्स वाले इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए गाइडेंस भी करते थे इंडियन इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट के लिए,
और वो अपने रूल्स और पॉलिसी खुद रिड्यूस कर सके. ओके, देन नंबर 5, ए सिक्योर स्टेट इज वन इन विच स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट. एक सिक्योर स्टेट जो ऑफिशियली प्रमोट ना कर सके एनी वन रीजन एज ए स्टेट रीजन. देन नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले ए क्रूल रोल इन प्लेइंग आउट ए आइडल दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू एड्रेस टू इंडिविजुअल द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी इलेक्ट द रूल्स अस. और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्रूल रोल बनाता था अपने इंडियन सिटीजन इंडियन के लिए और अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए पीपल को अपना पावर खुद से सिलेक्ट करनी होती थी और अपने रिप्रेजेंटेटिव वो खुद ही सिलेक्ट करते थे. ओके स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया. नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, तब तक आपको ये पूरा चैप्टर रीड आउट करना है. ओके, थैंक यू.